ये देखिए पुराना सऊदी अरेबिया, पहले ऐसी मार्केट होती थी यहाँ पर, ये रिनोवेट का काम चल रहा है यहाँ पे। तो देखिए आगे तक अगर आप जाएंगे सेम इस तरह की मार्केट है। और देखिए अभी तो चेंज हो गया ना काफ़ी, आगे के नए हाउस बन गए, जैसे ये न्यू है सारा कुछ। तो ये ओल्ड सऊदी अरेबिया है, इस तरह की शॉप्स होती थी पहले, इस तरह के मार्केट से होते थे। अभी सब कुछ पूरा चेंज करके न्यू डेवलप कर रहे हैं, लेकिन सारी मार्केट ये पुराना एरिया है। ये सामने आप देख सकते हैं इसको, कैटी को। आज भी सऊदी अरब के लोगों ने ये चीज़ कॉपी करी है अपनी पुराने वाली, अपने घरों के बाहर ये वुडन का इस तरह का हुआ ये जो पुराना बल्ब है ना जी, तो फिर रेनोवेट कर रहे हैं, लेकिन एज इट इज ही अच्छा रहेगा, एज इट इज शॉप वगैरह उसी उसी उसमें अच्छी बस, यानी उसका क्यों नहीं कर रहे हैं फोर अगर और दोबारा बना रहे हैं, लोगों का सामान भी ये सब कर दी उन्होंने। हाँ ठीक है, पुराना कल्चर जी वो भी दिखाना ज़रूरी है लोगों। हाँ नई चीज़, क्योंकि अब जो नए मॉल से सब कुछ है वो हर जगह पे है, इसमें कुछ न्यू नहीं है देखने वाला। ये जो है नई चीज़ लगती है लोगों को, अच्छा इस तरह से शॉप्स थी ऐसे रहती थी। ये शारजा में भी मैंने देखा है, शारजा क्या तो ऐसे ही था, अभी भी शॉप्स ना इस तरह की पुरानी मार्केट, पर वो बहुत ही जैसे रोड्स वगैरह हैं थोड़ी सी उसमें ज़्यादा वो थी, मतलब उसमें ज़्यादा उन लोगों ने किया हुआ है मेंटेनेंस को। अरे शारजा की ज़्यादा तो वो समुद्री है, यहाँ से आप बाहर निकलो मार्केट से समुद्र आ जाएगा। कितना पुराना मकान है, एयरपोर्ट पास में यहाँ से, हाँ एरोप्लेन काफ़ी दिख गया ना मेरे को थोड़ी सी देर में। अच्छा ये देखिए बिल्डिंग, सब पुरानी बिल्डिंग से काम चल रहा है इनोवेशन का, इसको नया कर देंगे। मस्जिद है यहाँ पे, ये वुडन का मुझे बहुत पसंद आया, ये जो वुडन का है ना सिस्टम बनाया हुआ हर बालकनी के जो बाहर एरिया है ना, इतना पुराना रहा होगा। हाँ जैसे नबी के समय के टाइम पे होगा ना, इस तरह के घर तो होते थे ना उस वक्त। ऐसा लगता है नजीमपुर में चले गए हम। नजीमपुर एक गांव है हमारे होम टाउन में, अब तो वहाँ भी इससे डेवलप हो गया होगा जैसे घर है इसके साथ, लेकिन ये अच्छा है देखने के लिए। हमारा नजीमपुर गए हुए सालों हो गए, जाया करो घर जाया करो ना, थोड़ा टाइम आ गया ना बाइक उठा के सब जाए घूम लिया करो, मुझे पुरानी यादें ताज़ा हो जाएंगी ना। कलर देखो आप कैसा ग्रीन, क्या नाम है इसका, जाएगा बलद बलद बलद, मतलब उर्दू अरेबिक में सिटी होता है, शहर पुराना शहर है ये सऊदी अरेबिया का। अल शफी मॉस्क, ये म्यूजियम आ रहा है राइट हैंड साइड पे, ये म्यूजियम है, ये बंद किया हुआ है अभी। ये नजीबाबाद में आ गया ऐसा लगता है, नजीबाबाद की चौक। इनका कितना पुराना पेड़ रहा होगा,
नीम का पेड़ देखिए आप। बाकी सऊदी अरब में पर्दा सिस्टम ज़्यादा है, थोड़ा सा वीडियो बनाते हुए डर ही लगता है कहीं कहीं पर, अगर कोई यहाँ की खातून आ जाए तो, है ना, बस की निकलती है ना, थोड़ा अच्छा लगता, खुद तो कंफर्टेबल नहीं होता यार, किसी को आप अनकंफर्टेबल कर रहे हो, है ना। अच्छा कोई कहीं से एकदम से आए थे पता नहीं चल रहा है, चाहे वो कुछ ना कहें लेकिन खुद को अच्छा लगता है, लेकिन फिर लोगों को दिखाऊंगा कैसे। अस्सलाम वालेकुम, बहुत है यहाँ पे, कितने पुराने पुराने घर है ना, कोई रहता भी होगा इनमें भी, है ना, तो ये हो जाए ना, अभी रिस्की भी आ रहा है ना, इसलिए बंद किया होगा ना, ये तो छोड़ के रखी है। ए, क्या कर लिया मुँह पे अपने, हैं क्या हुआ है मुँह पे, क्या हुआ है मुँह पे, चोट लगी है कुछ, पुरानी गली है, एक कुआ है ना, कुआ अच्छा थोड़ा छोटा सा ही है, ज़्यादा डेप्थ नहीं है, इसकी बंद करो, रहा होगा ना पहले। देखिए रोलेक्स का राडो आप देख सकते हैं, मस्जिद 100 मीटर के अंदर मस्जिद है, सीलिंग चेक करो बस, और न्यू दोनों का मिक्सचर है सऊदी अरब का मार्केट का, मसल का सबसे मार्केट है, तो बोलना ना तो किस दिन दिखा लगेगा, तो बस ही देखा होगा आप, जन्नतुल मौला कब्रस्तान ऑफ मक्का, यानी जो जुमे में केस होता था कुछ भी ऐसा, जुमे के दिन सर कलम के आजाद जिसको सजा मिलती थी, तो वो यहाँ इस मस्जिद पे, मस्जिद के बाहर था, तो पूरी गैदरिंग करके लोग सबको बिठा के फिर इसका जुर्म बताया जाता था, केस का ये जुर्म, हाँ बहुत ज़रूरी है ना, जुर्म पता हो लोगों का कि हाँ भाई ये जुर्म किया तो इसलिए इसको ये सज़ा मिल रही है, रूल्स बहुत सख्त है, अभी भी सख्त है, बट अभी पहले थोड़ा लीनियंसी हो गई है, पहले तो सऊदी अरब को सोच के ना डर लगता था कि यार सऊदी अरब नहीं भाई, हाँ सऊदी अरब रहना, तो दुबई वगैरह ठीक है,
लेकिन इनको बस सही है, उनके अपने हिसाब से रूप बनाए हुए ठीक है। इंसान से बड़ा जानवर कोई नहीं एक्चुअली, इंसान ये रियलिटी है। तो उसको कंट्रोल करने के लिए चाहिए शत्रु, शैतान कब किससे क्या करा दे, अल्लाह ताला बचाए सबको। देखिए एक और मस्जिद, माशाल्लाह ये बहुत प्यारी चीज़ है। हर एक किलोमीटर बाद मस्जिद आनी है। किलोमीटर तो बहुत दूर की बात है, किलोमीटर नहीं, हर एरिया में मस्जिद मिलेगी, थोड़े थोड़े फासले में। मतलब मार्केट है, कितना भी कंजेस्टेड एरिया है ना, वहाँ पे भी मस्जिद है। मार्केट बनी तो मस्जिद है। का पेड़ यहाँ पे ठीक है, ये हमारे जो घर है यहाँ पे, 10 नंबर का फ्लैट ही उसका एरिया है जहाँ पे हम लोग रहते हैं। ये मदरसा है, उसका स्कूल है। इसका गेट शायद उस साइड से होगा ना, दूसरी तरफ। अच्छा, इस तरह से कॉलोनीज होती है देखो यहाँ पे। फैसिलिटीज तो सारी है माशाल्लाह से दी हुई, नीट एंड क्लीन, बच्चे खेल रहे हैं, थोड़ी राइड्स लगाई हुई हैं। देखिए सब लोग बैठे हुए हैं। अच्छा, इवनिंग के टाइम पे यहाँ पे वॉक वगैरह करने के लिए बच्चों के लिए मगरिब का टाइम हो गया ना, मगरिब की नमाज पढ़ लेते हैं। मस्जिद है जुमा पढ़ने के लिए इसी बात है। हाँ, पास में। ठीक है दोस्त लोग, हम लोग पहुँच गए हैं नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में। ठीक है, उतर रहे हैं तो नमाज पढ़ के फिर आपसे इंशाल्लाह होगी बात। और ठीक है ना, क्या आप लोग नमाज पढ़िए, नमाज ना छोड़े, नमाज बहुत ज़रूरी है। ठीक है सर, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर। अल्हम्दुलिल्लाह नमाज हो गई हमारी, मगरिब की नमाज पढ़ ली हमने। अब हम आए हैं कुछ खाने के लिए, तो ये है यहाँ पे शोरमा रोड। खाने के लिए हम लोग आए हैं बट हमें पार्किंग नहीं मिल रही है, बैठे हुए हैं। कोई कार यहाँ से निकलेगी तो हम पार्किंग में लगाएंगे और फिर उसके बाद हम खाना खाएंगे। लेकिन पार्किंग की काफ़ी दिक्कत है पूरे सऊदी अरेबिया में, काफ़ी जगह जितना मैं गया हूँ सभी जगह हमें पार्किंग की दिक्कत मिली है। तो देखो अभी कब कोई कार निकले यहाँ से, तो हम पार्क करें अपना और फिर जाएं।